हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक और सीलिंग फैन लेकर आया हूं, जिसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऊषा जेट सीलिंग फैन का, जो कि 75 वाट का है। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन से हाथ मिलाइए और घंटा हिला दीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप लोग इसका बॉक्स देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे एक सीलिंग फैन बना हुआ और यहाँ पे मॉडल जेट ऊषा है तो भरोसा है, ये चीज़ लिखी हुई है। अभी हम बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे क्या यही सेम डिज़ाइन बॉक्स के अंदर भी सीलिंग फैन रखा हुआ है, या इस डिज़ाइन से कुछ डिफरेंट डिज़ाइन अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस सीलिंग फैन के साइज़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1200 mm, यानी ये 48 इंची का सीलिंग फैन है और इसका जो कलर है रिज ब्राउन है। वैसे ये आपको आइवोरी कलर और वाइट कलर में भी मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग बॉक्स देख चुके हैं, तो चलिए MRP की बात करते हैं। तो MRP दोस्तों इसकी 1960 रुपये इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स है, और अगर ये आप मार्केट में जाएंगे परचेज करने तो 1300 से लेकर 1400-1450 तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस सीलिंग फैन की स्पीड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 350 RPM, यानी ये एक मिनट में 350 चक्कर पूरा करेगा। दोस्तों अगर इस सीलिंग फैन के वाट की बात कर ली जाए, यानी पावर कंजम्पशन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 75 वाट, जो कि एक नॉर्मल सीलिंग फैन की जैसा ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस सीलिंग फैन के ईयर डिलीवरी की बात कर ली जाए तो इस बॉक्स पे कहीं से भी मेंशन नहीं है। मैं लेकिन आपको बता दूँ, इस सीलिंग फैन की ईयर डिलीवरी 220 क्यूबिक पर मिनट है। दोस्तों अगर इस सीलिंग फैन की गारंटी की बात कर ली जाए तो ये 2 ईयर वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा, जो कि होम सर्विस होता है। होम सर्विस का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों यहाँ पे भी स्पीड आप लोग देख सकते हैं 350 हाई स्पीड लिखा हुआ, 350 RPM। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है परफॉर्मेंस बेल एवन एट लो वोल्टेज, यानी अगर आपके घर में लो वोल्टेज भी आता है तो ये सीलिंग फैन काफ़ी ही अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे कुछ फीचर दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग इस सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग को एक डाउन राड मिल जाएगा, जो कि 9 इंची में है। दोस्तों यहाँ पे 2 कोनी सेट दिया हुआ है, जो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं बाहर निकाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऊषा लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा है जिसके माध्यम से आप इसको डाउन राड पर टाइट कर सकते हैं, ताकि ये नीचे ऊपर ना हो। और ये दोस्तों देख सकते हैं, ये नीचे की साइड का है और ये ऊपर की साइड में है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे ऊषा लिखा और इसमें यहाँ पे ऊषा रखा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक आप लोग को असेंबली मिल जाएगा, हमारे यहाँ इसको क्लैंप भी बोलते हैं, फैन क्लैंप बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों अब प्रोडक्ट आप लोग को दिखाते हैं। बॉक्स को साइड में रख देते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग इसकी पैकिंग देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी पैकिंग है। चलिए दोस्तों हम इसको पैकिंग से बाहर कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक गारंटी कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ निर्देश भी दिए होंगे, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। असेंबल करने का पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको साइड में रख देते हैं। और दोस्तों जो गारंटी कार्ड पे कोड दिया हुआ है, यहाँ पे सेम वही कोड यहाँ पे भी
दोस्तों मेंशन है। दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, बहुत सारे लोग इस स्क्रू का मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, जब आप लोग डाउन डार्ट लगाते हैं तो ये स्क्रू उसके ऊपर से लग जाता है। ये एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है इस सीलिंग फैन को, ताकि अगर मान लीजिए इसका जो स्क्रू है वो कट जा रहा है, फिर भी ये कुछ टाइम तक इस डाउन डार्ट से लटका रहेगा, जिससे आप सेफ हो जाएंगे। दोस्तों अगर इसके स्क्रू की बात कर ली जाए तो स्क्रू आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एक लेदर बेल्ट दिया हुआ है, जिससे दोस्तों डायरेक्ट जो बिलेट होता है इसके संपर्क में नहीं आता है और सीलिंग फैन आवाज़ नहीं करता। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उषा की ब्रांडिंग दी है, जो कि उभरे हुए अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक उषा का स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक उषा का स्टिकर लगा हुआ है। दोस्तों डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी ही बेहतरीन डिज़ाइन लग रही है। दोस्तों यहाँ पे भी दो गोल्डन लाइन दिया हुआ है और आगे की तरफ भी एक गोल्डन लाइन की डिज़ाइन दी गई है। अगर इसके बेट की बात कर ली जाए तो काफ़ी अच्छा बेट है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ओके लिखा है, यानी कि ये ओके टेस्टेड सीलिंग फैन है। दोस्तों जैसा कि आप लोग इसका ब्लेड देख रहे हैं, पैकिंग कुछ इस प्रकार से है, हालांकि इस पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, नॉर्मल है। तो चलिए हम इसको पॉलीथीन से निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। सारे दोस्तों इस पे हल्की सी डिज़ाइन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि पॉलीथीन के अंदर थी तो ये डिज़ाइन दिख नहीं रही थी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके पेंट की क्वालिटी काफ़ी ही स्मूथ है दोस्तों। कुछ कचड़े इस पे लगे हुए हैं, इसको हालांकि आप साफ़ कर देंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।